बिहार में कम बारिश से उपजे सूखे के हालातों के बीच राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सीएम नीतीश ने जहानाबाद, गया और औरंगाबाद जिले का शुक्रवार को दौरा किया था। वहीं आज यानी शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले के साथ साथ शेखपुरा जिले भी पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर सूखे के हालातों का जायजा लिया। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है और सीएम नीतीश कुमार की नई सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इसकी घोषणा की है। मंत्री सुधाकर ने कहा है कि राज्य भर में कम बारिश की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हुई है, ऐसे में सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करेगी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कैमूर जिले के मोहनिया में कहा कि बिहार सरकार राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर विचार कर रही है। राज्य के 125 प्रखंडों में हालात ज़्यादा खराब हैं। जिन किसानों की फसल खराब हुई है या जहां धान समेत अन्य खरीफ फसलों की रोपनी नहीं हो पाई है, वहां पर सरकार किसानों की मदद करेगी। सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई भी करेगी। किसानों को एक मुश्त मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। वही बता दें कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो लगातार राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को कम बारिश की वजह से उपजे हालातों पर नजर बनाए रखने और किसानों को मदद देने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को डीजल अनुदान की राहत राशि जल्द उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। सीएम नीतीश ने किसानों को 16 घंटे बिना रुके बिजली देने पर भी जोर दिया है। तो बता दें कि बिहार में कम बारिश से उपजे सूखे के हालातों के बीच अब राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है और नीतीश कुमार की नई सरकार में जो कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने इसकी घोषणा की है। उनका कहना है कि राज्य भर में कम बारिश की वजह से धान की रोपनी ज़्यादा प्रभावित हुई है और ऐसे में सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करेगी। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में है और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने ये बात कही है, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।